दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा की श्रृंखला में मैं श्रीराम मित्तल आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो हम पिछले 3 एपिसोड में अबेकस की कुछ चर्चा कर चुके हैं। हमने जानने की कोशिश की है कि अबेकस क्या है और साथ ही अबेकस पर कैसे हम जोड़ सकते हैं और जोड़ने के लिए जिन विशेष नियमों का हमें सहारा लेना पड़ता है उनमें से 1, 2, 3, 4 और 5 के जो नियम हैं उनको इस्तेमाल करने के तरीके हम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। और मैंने पिछले वीडियो में एपिसोड में आपको बताया था कि मैं 6, 7, 8 और 9 परोक्ष रूप से कैसे जोड़ा जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे जोड़ा जाता है वो इस एपिसोड में बतलाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अबेकस पर 6, 7, 8 या 9 जोड़ने की विधि आपके सामने प्रदर्शित करूं, आपको दिखाने की कोशिश करूं, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं जिसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें। हम 6 कहें या 1+5 कहें बात एक ही है, या फिर 5+1 कहें, क्योंकि 6 या फिर 1+5=6 या 5+1=6, इसी तरह से 7 के संदर्भ में 7 के लिए हम 2+5 या 5+2 भी कह सकते हैं, 7 तो हम कहते ही हैं। इसी तरह से 8 के लिए 3+5 या फिर 5+3 कह सकते हैं, और 9 के लिए 4+5 या 5+4 कह सकते हैं। अब ये बातें मैंने आपको इसलिए बतलाई हैं क्योंकि जो आमतौर पर अबेकस पर किताबें मिलती हैं उनमें 6, 7, 8, 9 के लिए भी अलग से नियम बतलाए गए हैं और वो नियम हर दशा में लागू नहीं होते हैं। इसलिए मैं जब अबेकस सिखाता हूं या अबेकस के प्रयोग की बात करता हूं तो 6, 7, 8 और 9 के लिए अलग से नियम न बतलाकर 6 को हम 1 और 5 के नियमों का सहारा लेते हुए कैसे जोड़ सकते हैं, या 7 को 2 और 5 के नियमों का सहारा लेते हुए कैसे जोड़ सकते हैं, इसी तरह से 8 और 9 को 3 और 5 तथा 4 और 5 के नियमों का सहारा लेते हुए कैसे जोड़ सकते हैं वो बतलाता हूँ। और मेरा अपना अनुभव है और विश्वास भी है कि अगर हम इस तरह से जोड़ने के लिए 6, 7, 8, 9 का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो कोई कठिनाई नहीं होती बल्कि हमको आसानी से हमारा उत्तर मिल जाता है। अब इन बातों को मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित या दिखाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, हमारे अबेकस पर ये 0 की पोजीशन है और 0 की पोजीशन में बीच की जो ये पट्टी है इसके ऊपर या नीचे कोई भी मोती इसके साथ मिला हुआ नहीं है। अब हम 6 में 6 जोड़ने का तरीका देखेंगे। हमें 6 में 6 जोड़ना है तो हम पहले 6 लिखेंगे, 1 नीचे से और 5 ऊपर से। अब अगर हमको 6 में 6 जोड़ना है तो हम देखेंगे कि हम क्या 1 या 5 में से कौन सा अंक जोड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि नीचे 3 मोती बचे हुए हैं इसलिए 1 का अंक हम जोड़ सकते हैं, तो पहले 1 जोड़ लेंगे। अब हमने चूंकि 1 जोड़ा है अभी तक और जोड़ना हमको 6 है इसलिए 5 और जोड़ेंगे। कैसे? 5 का नियम लगाते हुए 5 हटाएंगे और अगले कॉलम में 1 सेट कर देंगे। अब अगर आप देखें हमारे अबेकस पर 12 है
अब 12 में 6 हमें जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि एक नीचे से भी हम जोड़ सकते हैं और 5 ऊपर से जोड़ सकते हैं। और अब हमारे अभिकर्ष पर 18 है जो 12 प्लस 6 के बराबर होता है। अब यदि हमें इसमें 6 और जोड़ना है तो हम देखते हैं कि नीचे से एक तो जुड़ जाएगा, जोड़ा जा सकता है, पर फिर से हम 5 नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए हम 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। 5 हटाएंगे, 5 हटाएंगे और अगले कॉलम में 1 सेट कर देंगे। अब अगर आप देखें हमारे अभिकर्ष पर 24 है जो 18 प्लस 6 के बराबर होता है। अब यदि हमको इसमें 6 और जोड़ना है तो हम ना एक जोड़ सकते हैं लेकिन 5 जोड़ सकते, एक तो हम जोड़ नहीं सकते हैं पर 5 जोड़ सकते हैं, लेकिन हम 5 जोड़ने से पहले एक का नियम लगाएंगे। एक का नियम क्या है? 4 हटाएंगे और 5 सेट कर देंगे। अब चूंकि अभी तक हमने एक जोड़ा है और हमें 5 और जोड़ना है तो फिर से 5 का नियम लगाएंगे, 5 हटाएंगे और अगले कॉलम में 1 सेट कर देंगे। अगर आप देखें तो हमारे अभिकर्ष पर अब 30 है, दूसरे कॉलम में 3 और पहले कॉलम में 0, और 24 प्लस 6 30 ही होता है। अब यहां मैं आपको बता दूं कि जो और लोग और जगहों पर जो सिखाते हैं वो 6 के लिए कहते हैं कि अगर एक या आप 6 जोड़ना चाहते हैं तो जिस कॉलम में 6 जोड़ना है वहां 4 हटाइए और अगले कॉलम में 1 सेट कर दीजिए। बात वो भी गलत नहीं है, क्योंकि अगले कॉलम में 1 सेट करने का मतलब 10 रुपए का नोट दिया आपने, देने आपको 6 थे तो 4 वापस लेंगे, इसलिए 4 आपने क्लियर कर दिया। लेकिन अगर मैं जो इसमें पहले हमने 18 लिखा था, 18 हमारा उत्तर आया था 12 में 6 जोड़ने के लिए, उसको पुनः लिख देता हूं 3 8, 5 ऊपर से 3 नीचे से, 18 अब आपके अभिकर्ष पर है। अब इसमें अगर 6 जोड़ना है तो मैं 4 कहां से हटाऊंगा? नहीं हटा सकता इसमें से 4, मतलब 4 का नियम लगाऊं पहले। 4 का नियम क्या है? 1 क्लियर करूं, हो जाएगा। 5 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, 5 क्लियर करूं फिर अगले कॉलम में 1 सेट कर दूं। तो अभी तक हमने 5 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, और चूंकि 5 जोड़ा है हमने इसलिए हमको 1 और जोड़ना है, तो इस तरह से काफी कंफ्यूजन इसमें होता है। और आप देखिए हम भूल गए बीच में और हम गलती कर बैठे, आंसर हमारा उत्तर गलत हो गया। लेकिन जो विधि मैंने बतलाई है, जो मैं बतलाता हूं हर जगह जब भी बात करता हूं, उसमें इस तरह की गलती होने की कोई संभावना नहीं होती है। अब जो लोग देख रहे हैं उनको मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 6 के नियम का अभ्यास करने के लिए वो लोग बारी बारी 6 में 6 जोड़े 16 बार तो आपको उत्तर मिलेगा 102, और ऐसा करने से 1, 5 और 6 जोड़ने के नियम, जोड़ने के तरीके से आप भली भांति परिचित हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे। अब इसी तरह से हम 7 जोड़ने का भी अभ्यास करेंगे। अभ्यास क्या? 7 जोड़ने के तरीके को सीखेंगे। कैसे? मैंने आपसे कहा कि 7 का मतलब होता है 2 प्लस 5 या 5 प्लस 2, तो हम 7 जोड़ने के लिए पहले 7 लिखेंगे और इसमें 7 जोड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि 5 तो हम नहीं जोड़ सकते पर 2 जोड़ सकते हैं, इसलिए हम पहले 2 जोड़ देंगे। अब हमें 5 और जोड़ना है तो 5 का नियम लगाएंगे साथ में, 5 हटाएंगे और बाईं ओर 1 सेट कर देंगे। इस तरह से अब हमारे अभिकर्ष पर 14 लिखा है। अब 14 में 7 फिर से जोड़ना है, हम 2 नहीं जोड़ सकते लेकिन 5 जोड़ सकते हैं, पर हम पहले 2 जोड़ने के लिए 2 का नियम लगाएंगे,
तीन क्लियर करेंगे, हो गया, और पांच सेट कर देंगे। अभी तक चूंकि हमने पांच दो ही जोड़ा है, इसलिए पांच और जोड़ेंगे, मतलब कि पांच का नियम लगाएंगे, पांच क्लियर कर देंगे और अगले कॉलम में एक सेट कर देंगे। अब हमारे अभिकर्ष पर 21 लिखा है, जो 14 प्लस 7 के बराबर है, और फिर से हमको 7 जोड़ना है, तो हम दो नीचे से जोड़ लेंगे और पांच ऊपर से जोड़ेंगे। अब हमारे अभिकर्ष पर क्या लिखा है, 28 लिखा है, जो 21 प्लस 7 के बराबर है। अब फिर से हमको इसमें 7 जोड़ना है, तो हम दो नहीं जोड़ सकते क्योंकि नीचे तो एक ही मोती है, इसलिए दो का नियम लगाएंगे, तीन क्लियर करेंगे, पांच सेट करेंगे। पांच सेट नहीं कर सकते, इसलिए पांच का नियम लगाएंगे, पांच क्लियर करेंगे और अगले कॉलम में एक सेट कर देंगे। अभी तक हमने दो जोड़ा है, हमको पांच और जोड़ना है, तो ये पांच नीचे ले आएंगे, अर्थात पांच को सेट कर देंगे। तो अब हम अगर देखते हैं तो हमारे अभिकर्ष पर दूसरे कॉलम में तीन है और पहले कॉलम में पांच, मतलब 35 है, जो 28 प्लस 7 के बराबर होता है। आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप 7 में 14 बार 7 जोड़ें, और अगर ऐसा करेंगे तो आपके अभिकर्ष पर 105 लिखा होगा, 105 उत्तर आएगा। ऐसा करने से आप 1, 2, 5 के नियमों में भी अभ्यस्त होंगे और 7 जोड़ने की विधि को तो अच्छी तरह से समझेंगे ही। आइए दोस्तों, अब हम 8 को कैसे जोड़ते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, 8 का मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, 3 प्लस 5 या 5 प्लस 3 होता है। तो हम 8 के लिए क्या करेंगे कि पहले 8 लिखेंगे, ये हमने लिख दिया, 3 नीचे से 5 ऊपर से। अब इसमें हमको 8 जोड़ना है, मतलब 3 प्लस 5, तो यहाँ हम 3 नहीं जोड़ सकते, एक पहले से है, तो पहले 3 का नियम लगाएंगे। 3 का नियम क्या है, क्लियर 2 हो गया, सेट 5 नहीं होता, तो 5 का नियम लगाया, क्लियर 5, सेट 1, एक सेट अगले कॉलम में किया हमने। अभी तक हमने 3 जोड़ा है, हमें जोड़ना क्या था, हमें जोड़ना था 8, तो 5 और जोड़ देंगे, 5 ही नीचे ले आए। अब अभिकर्ष पे क्या लिखा है, 16, और 8 प्लस 8 क्या होता है, 16 ही होता है। अब हमको 8 और जोड़ना है, 3 नीचे से और 5 ऊपर से जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, तो 5 का नियम लगाया, 5 क्लियर किया, अगले कॉलम में 2 सेट कर दिया, आंसर हो गया हमारा 24। फिर से हमको 8 जोड़ना है, तो 8 जोड़ने के लिए पहले 3 जोड़ने की कोशिश करेंगे, 2 क्लियर किया और 5 सेट कर दिया। ऐसा करने से हमने क्या किया, अभी तक 3 ही जोड़ा है, हमको जोड़ना क्या था, हमको जोड़ना था 8, तो 5 का नियम लगाएंगे, 5 क्लियर कर देंगे और अगले कॉलम में एक सेट कर देंगे। इस तरह से नहीं, थोड़ी सी इसमें गलती हो गई, हम 24 में जोड़ रहे थे, फिर से चलेंगे दोस्तों। तो 2 हमने लिखा, ये 24 जो हमारा 16 प्लस 8 आया था। अब इसमें हमको जोड़ना है, क्या जोड़ना है हमको इसमें, 8, और 8 का मतलब क्या है, 3 प्लस 5, तो 3 का नियम पहले लगाएंगे, क्लियर 2 हो गया, सेट 5 ये भी हो गया। अब जो है, अभी तक हमने चूंकि केवल 3 जोड़ा है, तो हम 5 और जोड़ेंगे, 5 और जोड़ने के लिए 5 का नियम लगाएंगे, क्लियर 5, सेट 1 इन द नेक्स्ट कॉलम, यानी कि सेकंड कॉलम में। तो अब हमारे अभिकर्ष पर देखिए 32 है, 3 दूसरे कॉलम में और 2 पहले कॉलम में।
इस तरह से हम आठ के नियम का भी अभ्यास कर सकते हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आठ में 12 बार आठ जोड़ें। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी अभिकस पर उत्तर होगा 104। और ऐसा करने से 1, 2, 3, 5 के नियमों के साथ साथ आप आठ को जोड़ने का भी अभ्यास कर पाएंगे। अंत में मैं आपको अब 9 के बारे में कि 9 को हम कैसे जोड़ सकते हैं उसके बारे में बतलाने की कोशिश करूंगा। जैसा हमने 6, 7, 8 के संदर्भ में देखा, 9 का अर्थ जो है 4+5 या 5+4 होता है। और अगर हमको 9 में अगर 9 जोड़ना है और हम नहीं जोड़ पा रहे हैं तो हम 4 या 5 में जो अंक जोड़ सकते हैं वो जोड़ेंगे। कोशिश करेंगे पहले 4 जोड़ेंगे और फिर 5 जोड़ेंगे। अब देखते हैं, हम 9 लिखेंगे पहले कॉलम में, ये हमने 9 लिख दिया। अब इसमें हमको क्या करना है, 9 जोड़ना है। हम 4 नहीं जोड़ सकते हैं तो पहले 4 का नियम लगाएंगे। क्या नियम है, क्लियर 1, 1 हटाया और 5 सेट करना। 5 नहीं सेट कर पा रहे हैं तो 5 का नियम लगाया, क्लियर 5, 5 हटाया और दूसरे कॉलम में 1 सेट कर दिया। अभी तक हमने 4 जोड़ा है, हमको जोड़ना 9 था तो 5 और जोड़ देंगे, ये नीचे ले आएंगे। इस तरह से अब हमारी अभिकस पर है क्या है, 18, जो 9+9 के बराबर होता है। अब फिर से हमको इसमें 9 जोड़ना है तो हम 4 नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए 4 का नियम लगाया, क्लियर 1 हो गया, सेट 5 नहीं कर सकते, 5 सेट नहीं कर सकते हैं तो क्लियर 5 और अगले कॉलम में 1 सेट कर दिया। अभी तक हमने 4 जोड़ा है, जोड़ना हमको 9 था तो 5 नीचे ले आएंगे। इस तरह से हम 27 आंसर पे होंगे। अभिकस पर हमारा जो लिखा हुआ है वह है 27, जो 18+9 के बराबर होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग 9 में यदि 11 बार 9 जोड़ेंगे तो हमारे अभिकस पर उत्तर होगा 108। और ये जो 108 उत्तर होगा, इससे हम 9 में 9 जोड़ने का अभ्यास तो कर ही सकेंगे, साथ ही साथ 4, 1 और 5 के नियमों को भी और अधिक अच्छी तरह से उनका अभ्यास, उनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब इसके इनके लिए जो एक्सरसाइजेस होती हैं, उन एक्सरसाइजेस में हम 567, 678 और 789, 567 में 567 तब तक जोड़ते हैं जब तक 5670 ना आ जाए, 678 में 678 तब तक जोड़ते हैं जब तक कि 6780 ना आ जाए, और 789 में 789 तब तक जोड़ते हैं जब तक 7890 आंसर ना आ जाए। अब इन तीनों में से हर एक का एक एक बार, यानी कि 567 में 567 जोड़कर, 678 में 678 एक बार और 789 में 789 एक बार जोड़कर आपके सामने मैं दिखलाने की, समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आप, मुझे विश्वास है कि स्वयं अभ्यास करने में सक्षम होंगे और आप अभ्यास कर पाएंगे। अब देखिए, हमको 567 में 567 पहले जोड़ना है तो हम तीसरे कॉलम में 5 लिखेंगे, दूसरे कॉलम में 6 लिखेंगे और पहले कॉलम में 7 लिखेंगे। देखिए 5, 6 और 7। अब चूंकि हमको 567 में 567 जोड़ना है तो पहले इकाई में अंक 7 है, 7 का 7 में 7 जोड़ना है, जोड़ेंगे ना 7, तो 7 के लिए क्या करेंगे, वही हमारा नियम कि 2+5 = 7,
तो पहले चूंकि यहाँ दो नहीं जोड़ सकते, इससे दो का नियम लगाया, क्लियर टू कर लिया हमने। सेट फाइव नहीं होता, क्लियर फाइव, सेट वन दूसरे कॉलम में। अभी तक आपने दो जोड़ा है, जोड़ना आपको सात था, इसलिए इस पांच को नीचे लिया है। हम फिर से स्टार्ट करेंगे और देखिए हमने यहां लिखा हुआ है 567, 5, 6, 7। अब चूंकि इसमें हमें दो जोड़ना है पहले, और हम देखते हैं कि दो जोड़ सकते हैं, मैं आपको गलत बता दिया था, दो हम मैंने कहा था नहीं जोड़ सकते, जबकि हम दो जोड़ सकते थे एक्चुअल में, इसलिए हमने दो जोड़ा। अब पांच नहीं जोड़ सकते तो हम पांच का नियम लगाएंगे, पांच का नियम, क्लियर पांच, और अगले कॉलम में एक सेट कर दिया। अब दूसरे कॉलम में हमको छह जोड़ना है, हम छह में एक, पहले एक प्लस पांच होता छह का मतलब, एक जोड़ सकते हैं, जोड़ लिया, पांच नहीं जोड़ सकते हैं तो पांच का नियम लगाया, क्लियर फाइव, और सेट वन इन द नेक्स्ट कॉलम, यहां हमने एक सेट कर दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने दूसरे कॉलम में छह जोड़ लिया, अब तीसरे कॉलम में हमको पांच जोड़ना है, तो हम पांच नहीं जोड़ सकते हैं, तो पांच का नियम लगाया, क्लियर पांच, और चौथे कॉलम में एक सेट कर दिया हमने, ये एक सेट हो गया। अब हमारे पास अबेकस पर चौथे कॉलम में एक है, तीसरे कॉलम में भी एक है, दूसरे कॉलम में तीन है, पहले कॉलम में चार है, जो 567 प्लस 567 के बराबर होता है। अब इसको हम हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं, और जब क्लियर हमने कर दिया तो अबेकस पर फिर हमारे पास जीरो है, और अब हम 678 में 678 जोड़ेंगे। तो तीसरे कॉलम में हमने 6 लिखा, दूसरे कॉलम में 7 लिखा, और पहले कॉलम में 8 लिखा, 3, 5 ऊपर से 3 नीचे से। अब हमको देखिए इसमें पहले 8 में 8 जोड़ना है, 8 का मतलब होता है 3 जमा 5, 3 हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि नीचे 1 है, तो 3 का नियम लगाया, क्लियर 2 कर दिया, सेट 5 नहीं होता, तो 5 का नियम लगाया, क्लियर 5, सेट 1 इन दी नेक्स्ट कॉलम। अभी तक हमने केवल क्या किया है, 3 जोड़ा है, 5 और जोड़ना है, तो इस 5 को नीचे लिया है। अब इस कॉलम में हमको 7 जोड़ना है, 7 का मतलब है 2 प्लस 5, 2 हम नहीं जोड़ सकते, तो 2 का नियम लगाया, क्या नियम, 3 क्लियर किया, हो गया, 5 सेट करना है, नहीं हो सकता, तो 5 क्लियर किया और अगले कॉलम में 1 सेट कर दिया। अभी तक हमने केवल 2 जोड़ा है, इसलिए 5 और जोड़ना है, इसको नीचे ले आए, और यहाँ पे हमको 6 जोड़ना है, हमने देखा कि 1 हम जोड़ सकते हैं, तो हमने 1 जोड़ दिया, चूंकि 1 हम जोड़ सकते थे, 1 हमने जोड़ दिया, 5 हम नहीं जोड़ सकते, तो 5 का नियम लगाया, 5 क्लियर कर दिया और अगले कॉलम में 1 सेट कर दिया। तो हमारे अबेकस पर चौथे कॉलम में 1 है, तीसरे कॉलम में 3 है, दूसरे कॉलम में 5 है, और पहले कॉलम में 6 है, मतलब 1356, और 1356 678 में 678 जोड़ने पर ही आएगा। तो दोस्तों इसको हम हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं, और अंत में मैं आपको 789 में 789 कैसे जोड़ेंगे वो बतलाने की कोशिश करूंगा। अब इसके लिए देखिए 7 लिखेंगे तीसरे कॉलम में, 8 लिखेंगे हम दूसरे कॉलम में, और 9 लिखेंगे पहले कॉलम में। ठीक है, 9 हमारा पहले कॉलम में, ये देखिए अब हो गया 9 पहले कॉलम में, और 8 दूसरे कॉलम में,
और 7 तीसरे कॉलम में। अब देखिए इसमें पहले हम 9 जोड़ेंगे। अब 9 जोड़ने के लिए पहले 4 जोड़ना चाहिए हमें, 4 जोड़ नहीं सकते तो 4 का नियम लगाया। क्या नियम है? क्लियर, 1 हो गया सेट, 5 नहीं होता तो 5 का नियम लगाया, क्लियर 5 और सेट 1 इन दी सेकंड कॉलम हो गया। अभी तक हमने सिर्फ 4 जोड़ा है, हमें जोड़ना 9 था तो 5 और जोड़ना है, 5 ही नीचे ले आए हम वापस। अब दूसरे कॉलम में हमको 8 जोड़ना है, हम 8 नहीं जोड़ सकते, नीचे है ही नहीं, पहले 3 जोड़ेंगे। फिर 3 के लिए 3 2 सेट क्लियर किया हमने, कर सकते हैं। और 2 सेट करने के बाद जो है हमको यहाँ पे 5 सेट करना है, 2 क्लियर करने के बाद 5 सेट करना है, नहीं कर सकते तो 5 का नियम लगाया, 5 क्लियर किया, अगले कॉलम में 1 सेट कर दिया। अभी तक हमने 3 जोड़ा है, जोड़ना हमको 8 था तो 5 नीचे ले आए। तीसरे कॉलम में हमको 7 जोड़ना है, हम नहीं जोड़ सकते तो क्या करेंगे, 2 का पहले नियम लगाएंगे, 2 के लिए 3 क्लियर किया हो गया, 5 सेट करना है नहीं कर सकते तो 5 का नियम लगाया, 5 क्लियर किया और अगले कॉलम में 1 सेट कर दिया। अभी तक हमने 2 जोड़ा है, जोड़ना हमको 7 था तो इसलिए 5 को नीचे ले आएंगे, 5 भी जोड़ देंगे। और अब हमारे अबेकस पर 1, 5, 7 और 8 है, मतलब 1578 जो 789 जमा 789 के बराबर ही होता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको आज 6, 7, 8 और 9 जोड़ने के तरीके से परिचित कराने का प्रयास किया है, कोशिश की है। आपको मैं पुनः एक बार बतलाना चाहूँगा ताकि आप अच्छी तरह से याद रख सकें कि 6, 7, 8, 9 जोड़ने के लिए हम 1 और 5 के नियमों का 6 जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, 2 और 5 के नियमों का 7 जोड़ने के लिए, 3 और 5 के नियमों का 8 जोड़ने के लिए और 4 और 5 के नियमों का 9 जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, तब जबकि प्रत्यक्ष रूप से ये अंक 6, 7, 8 और 9 न जुड़ पा रहे हों। अब आप लोगों से मेरा अनुरोध, जैसा मैंने पहले कहा कि आप 567, 678 और 789 में कम से कम 9-9 बार इन तीनों संख्याओं को अलग अलग जोड़ेंगे तो आपको क्रमशः 5670, 6780 और 7890 आपके अभिकस पर उत्तर मिलेगा आपको। और ऐसा बार बार करने से आप 6, 7, 8 और 9 के नियमों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपके प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।